नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Moto G85 5G वर्सेस Oppo K12 X 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो G85 में 6.37 इंच जबकि K12 X में 6.52 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो G85 में 2.88 इंच जबकि K12 X में 2.99 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो दोनों फोन में सेम ही 0.3 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो G85 में 172 ग्राम जबकि K12 X में 186 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि G85 से ज्यादा है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो G85 में POLED जबकि K12 X में LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। बात करें डिस्प्ले साइज की तो दोनों फोन में सेम ही 6.67 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन G85 में 1080x2400px FHD+ और K12X में 720x1604px HD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो G85 में 90.8% जबकि K12X में 85.29% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो G85 में 395 पिक्सेल प्रति इंच जबकि K12X में 264 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो G85 में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। और K12X की बात करें तो इसमें भी हमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो G85 में 14 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और K12X की बात करें तो उसमें 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो G85 में Adreno 619 जबकि K12X में Mali G57MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो G85 में Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 और K12X में MediaTek Dimensity 6300 मिलता है। बात करें RAM की तो G85 में 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 8GB 12GB की RAM मिलती है जबकि K12X में 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 6GB 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 2 विकल्प देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 128GB 256GB की स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो G85 में अप टू 2TB जबकि K12X में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V14 देखने को मिलती है। बैटरी G85 में 5000 mAh जबकि K12X में 5100 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो G85 में 3 कलर्स जबकि K12X में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो G85 में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ 16,999 रुपीज
12 गीगाबाइट रैम 256 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 18,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें के 12X की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं जो कि 6 गीगाबाइट रैम 128 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 12,999 रुपीस, 8 गीगाबाइट रैम 256 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 15,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की, तो Moto G85 5G में 8 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Oppo K12X 5G की तो उसमें 8 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में G85 आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y200e 5G है, दूसरा Oppo F25 Pro 5G है, तीसरा Tecno Camon 35G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Nothing Phone 2e 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।